प्रशासन की लाख रोक के बाद ताजमहल पे विवाद थमने का नाम नहीं ले गए हैं। एएसआई के रोक के बावजूद ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने के बाद अब राष्ट्रीय बजरंग दल ने वहाँ पूजा करके एक बार फिर सियासत में हलचल मचा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मीना दिवाकर, जिन्होंने ताजमहल पर जाकर पूजा की है। आइए बात करते हैं उनसे। मीना जी, आपको ताजमहल पर पूजा की है, क्या कुछ खास किया आपने? खास ये किया है कि जो लोगों ने, कुछ लोगों ने गंदा कर दिया था, वो आज गंगा जल चढ़ा के हमने शुद्ध किया है, पूजा की है, अर्चना की है। अगर ये ऐसे ही अगर नमाज पढ़ के उसको गंदा करते रहेंगे तेजू महल को, तो हम ऐसे ही गंगा जल से और पूजा अर्चना करके उसको शुद्ध करते रहेंगे। आप कई ऐसे सामान लेके ताजमहल के अंदर गई जो ताजमहल के अंदर नहीं जाते हैं, उसके बाद आपको प्रशासन के किसी आदमी ने रोका या नहीं रोका? रोकने का प्रयास किया गया था, LIO की नज़र में थे हम, लेकिन हमारा एक ही कहना था कि अगर ये नमाज इसमें पढ़ सकते हैं तो हम भी पूजा कर सकते हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी राष्ट्रीय बजरंग दल की? राष्ट्रीय बजरंग दल की ये रणनीति रहेगी कि जब जब ये नमाज पढ़ेंगे गैर समय से, हम पूजा अर्चना करके उसको शुद्ध करते रहेंगे गंगा जल से। जिस तरह से ताजमहल पे ये सभी चीज़ों पर रोक है, ऐसे में अगर आप कर रहे हैं तो आप भी तो कानून तोड़ रहे हैं। कौन कह रहा है? गंगा जल कहीं भी पाबंदी में नहीं आता, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। पूरे विश्व में इस पर रोक नहीं है, क्योंकि गंगा जल गंगा मैया का एक ऐसा पवित्र जल है कि इससे हर इंसान शुद्ध होता है, हर पूजा में लगता है। फिर कैसे कह सकते हो आप के रोक लगाई गई है? और रोक लगाई गई है तो इनने नमाज कैसे गैर समय पर पढ़ ली उसमें? क्या आप चाहती हैं आगे? अगर प्रशासन ने तो कार्रवाई के लिए कहा हुआ है, प्रशासन कार्रवाई के लिए कह रहा है, पहले उन 6 लोगों पर कार्रवाई करे, वो उनको जेल भेजे, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमने गलती की है तो हम सरेंडर होने के लिए तैयार हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे यही रणनीति है कि जब जब जे अगर उसमें नमाज पढ़ेंगे तो हम भी उसमें पूजा अर्चना करेंगे। मीना दिवाकर का कहना है कि अगर ताजमहल पर नमाज हुई तो वो भी इसी तरह गंगा जल से ताजमहल को शुद्ध करती रहेंगी। अब देखना यह है कि इस दो पास में फंसा प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई करेगा। आगरा से अविनाश जायसवाल, ETV भारत।